नए वर्ष के अवसर पर गोलघर स्थित काली मंदिर पर नागरिकों ने पहुंचकर मां काली की पूजा अर्चना की तथा भक्तों ने मां काली को नारियल मीठा चुनरी चढ़ाया और कपूर अगरबत्ती जलाकर भक्ति भाव से पूजा अर्चना की और अपने नए वर्ष के सुख समृद्धि के लिए कामना की। जिसके संबंध में काली मंदिर के पुजारी विजय कुमार सैनी ने बताया कि आज का दिन लोगों के लिए सुखमय होता है और अपने नए वर्ष में प्रवेश होने पर मां काली से प्रार्थना कर अपने नए जीवन जीने की कामना करते हैं। उन्होंने बताया कि मां के भक्तों की जो भी मन्नत होती है उनकी मां काली पूरा करती है तथा आज के दिन करीब ज़्यादा संख्या में लोगों की भीड़ दिख रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए काली मंदिर के पुजारी विजय कुमार सैनी ने कहा, विजय कुमार सैनी नया साल है जी और लोग आ रहे हैं जी, क्या नया साल है सबके लिए, माता की तरफ से आशीर्वाद है। ठीक है, आज सब आज नया साल के देखते हुए सबकी माँ के लिए पूजा करने आ रहा है, दर्शन करने आ रहा है। मान्यता आदमी जो भी सबके जो इच्छा होती है माँ के अनुसार सब माँ के सबका पूरा करती हैं। इस प्रकार जो भी है भीड़ भड़का देखी है, भीड़ कोरोना बढ़ रहा है जी, कोरोना मंदिर में फिलहाल तो भीड़ जो होता है पाइप जो बनाता है विशेष कुछ है नहीं, प्रशासन द्वारा ऐसा भी कुछ नहीं।